ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टैंकी मेकिंग की। नॉर्मल शॉप है, काफ़ी सारे प्राइस, काफ़ी आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है। उनसे अच्छी बातचीत थी तो उन्होंने कहा था उनके पास एक सेम ऐसी टैंक था, सफाई भी जरूरी, सब गंदा हो पड़ा, तो उसी टैंक से उन्होंने मेरे को लाइट निकाल के दी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टैंकी मेकिंग की। तो बॉक्स, सिंपल सी बात है, जैसे बॉक्स बनता है आपको उसी तरीके से बनाया। अब यहाँ पर खास बात के सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर अंदर 8 mm की स्ट्रिप लगाई है, ताकि ये सारे ग्लास पानी के प्रेशर से आपस में खुले ना, क्योंकि जब हम इतने बड़े टैंक में पानी भरते तो पानी का फोर्स और इतना प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो मिरर को आउटवर्ड पुश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीक्स आते हैं, और लीक आने की एक वजह वही है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए मैंने डाउनवर्ड साइड में क्या करा है, स्ट्रिप्स लगाई सपोर्ट के लिए। अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इधर सेंटर साइड में मैंने स्ट्रिप जो है डबल लगाई है। ये देखिए, एक डाउनवर्ड स्ट्रिप विच इज एरी, उसके बाद एक डबल स्ट्रिप, ताकि उसको पकड़ मजबूत मिले। सेम चीजें मैंने इधर भी करी है स्ट्रिप के लिए। तो ये तो बात हुई मेरे नीचे के सपोर्ट की। समहाउ लास्ट टैंक में मेरे पास एक रीजन था कि जब मैं टैंक बनाया था तो वो टैंक मेरा यहां से लीक कर गया था। सो उस समय इतनी अकल नहीं थी, तो वहां पर टैंक को बचाने के लिए मैंने क्या किया था, वहां पर बाहर से एनसील लगाई थी, ताकि क्या हो, वो पानी रुक जाए। सो इसी चीज से यहां पर बचाने के लिए मैंने इस बार क्या करा है, आप यहां पर देखोगे ध्यान से, तो इधर मैंने एक खड़े में एक लॉन्ग स्ट्रिप की सपोर्ट दी है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, ये रहा। चारों तरफ टैंक के कोनों पे मैंने इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप दी है, सेम यहां पर सेम इधर। ये देखिए, एक लॉन्ग स्ट्रिप ये रही और एक लॉन्ग स्ट्रिप ये रही। अब इसका फायदा से दो फायदे मिलेंगे। सबसे पहला तो दोनों को आपस में ज्वाइन करके रखेगा, प्लस आप यहां से देखोगे तो आपको यहां पर ग्लू दिखेगी, जिसकी वजह से लीकेज होने के चांस यहां पर काफी कम होते हैं। अगर इसके बाद भी लीकेज होगा तो मेरी बहुत तगड़ी बेइज्जती होगी। तो ये हुआ सपोर्ट का काम। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट की बात की जाए तो एक सपोर्ट ये रहा, सेम 10 mm ग्लास, नॉट 12 क्योंकि ऊपर इट्स 10 mm, देन आफ्टरवर्ड सेम ही रहा, एंड एक ये रहा, बताओ कल का पड़ा हुआ यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने ये चीज मैंने इधर क्यों नहीं लगाई। इसका एक ही वजह है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटरनल सम्प बनाया। अभी सम्प की फंक्शनिंग कैसे है मैं इसका आपको बताता हूँ। मतलब सम्प बनाने में इतना इतनी मुश्किलें हो चुकी थी मेरे को, कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैं वहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। रिकॉर्ड करके मेरा मतलब मन ही नहीं पाया, पूरा परेशान हो गया था कि यार सम्प बनाना है, क्या आइडिया रखूँ, किस तरह कितने चैनल रखने हैं, और मैं स्पेस वेस्ट करना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि स्पेस वेस्ट हो, कि नीचे भी एक अलग से पूरा सम्प बना, तो बहुत अजीब लगता। मैंने कोशिश करी उसको अंदर ही इंटरनल सम्प बनाने की कोशिश करी, और मेरा पहला ही एक्सपेरिमेंट है, आई होप ये अच्छे से वर्क करे। अगर सम्प की फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करा है, आप ध्यान से देखोगे तो सम्प को 4 कॉलम में मैंने डिवाइड करा है, जिसमें सबसे पहला सम्प आपका कॉलम यहाँ पे को पता है क्या हुआ, इनलेट। यहाँ का सारा पानी इसके थ्रू आएगा। आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पर जाले लगा रखी है, नेट, ताकि अगर छोटे फिश इसके अंदर चले ना जाए। तो इनलेट से पानी यहाँ आएगा इस कॉलम में। एक चीज जो मुझे बड़ी खटा करी है, जो मुझे लग रहा है कि माइट भी इशू क्रिएट कर सकती है, वो है इसका साइज। कि जो मुझे इनलेट का पाइप चाहिए थोड़ा सा ऊपर चाहिए था, लेकिन जो ग्लास कटिंग करवा के आए हो भैया, उन्होंने नीचे करा दिया बीच में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो इनलेट जब पानी अंदर जाएगा, हो सकता है कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहे, तो मुझे हो सकता है कि ऑटोमेटिकली फ्लो करे, जो फ्लो मेरे को चाहिए था वो ना ओवरफ्लो ना हो जाए, और इसकी वजह से मेरे को टैंक में जो पानी भरना होगा थोड़ा सा सम के कंपैरिजन में थोड़ा कम भरना होगा, ताकि ओवरफ्लो ना हो। बट लेट्स सी, कुछ ना कुछ वे मैं निकाल लूंगा ताकि काम करे। तो पहले जैसे यहाँ पर पानी आएगा, पानी यहाँ से अपना पूरा इधर से फिल होगा, जैसे यहाँ से फिल होगा नेक्स्ट मेरा फिल्ट्रेशन मीडियम, यहाँ से पानी गया इस वाई चैम्बर में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 लेयर बना रखी है, जिसमें दो ही प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे। सबसे पहले कॉटन, देन फॉर्म, कॉटन फॉर्म, ऊपर थोड़ी मैंने कर्वी फॉर्म ली, ताकि हमारे ईजिली क्या बन सके, वो एक अच्छे से आपको एरिया दे सके क्लीन करने के लिए। यहाँ पर गया सेकेंड चीज, ये आप नोटिस करोगे, ये वाला ग्लास, यहाँ पर शीट लगी हुई है, ये वाला ग्लास इसके कंपेरिजन में
थोड़ा सा ऊंचा है। क्यों? क्योंकि नीचे जगह छोड़ी हुई है, पानी यहाँ से नीचे गया, यहाँ से फिर ऊपर आएगा। ऊपर के लिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, बायोमेड डाले हुए, जहाँ पर हमने पानी को क्लीन करने के लिए, पानी से स्मेल हटाने के लिए मैंने डाला है चारकोल, पानी से स्मेल हटाने के लिए यहाँ पर जिंक जियोलाइट है, और अच्छे बैक्टीरिया को स्पेस देने के लिए यहाँ पर मैंने क्या डाला हुआ है, सिरामिक रिंग्स डाली हुई है। पूरा मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि कल जब मैं हीटर लगाऊंगा तो हीटर का स्पेस मेरा इधर ही आ जाएगा, यहीं मेरा हीटर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, इधर इधर लगी मेरी आरएस की मोटर, ये पानी क्या करेगा, यहाँ से वापसी इस आउटलेट में जगह छोड़ी, यहाँ से पानी अंदर क्या होगा, इधर आएगा। पानी के आउटलेट के लिए मैंने यहाँ पाइप यूज़ कर रहा हूँ, आज सुबह काटा था, बाकी अभी एक टेम्परेरी है पाइप, बाद में पीवीसी पाइप जो आते हैं वहाँ से करके सेट करूँगा, ये इस तरीके से वहाँ जाएगा और यहाँ से पानी वापसी बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर मेरे को जो दूसरा डाउट था कि क्या ये इतना फ्लो बना पाएगा कि पानी पूरा सर्कुलेट हो, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से पानी भेजूँ, यहीं से पानी घूमकर यहीं पर सर्कुलेट कर रहा है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई डिड, मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, या तो मैं वेव मेकर ले लूँ, जिससे मैं यहाँ पर वेव मेकर लगाऊं और पानी को वेव करता हूँ, पूरा पानी को सर्कुलेट करे, पहला मौका। दूसरा, क्यों ना मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दूं, ये मिनी जैंक का फिल्टर है, हाँ इसकी प्रेशर बहुत बेटर है। ये रहा आपका एक्वेरियम पंप, इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी जो आपको चाहिए होगी। मिनी 35 वाट का फिल्टर है, मिनी जैंक का यहाँ पर मैंने फिल्टर इसलिए लगाया है ताकि जो यहाँ का पानी हो पूरा फ्लो करके आगे इस तरफ बढ़े। तो इसके दो काम हो जाएंगे वेव मेकर से बेटर, पहला काम एक तो पानी को सर्कुलेट करेगा, दूसरा काम यहाँ के पानी को भी क्लीन करेगा। ऑल्दो नेसेसरी नहीं है, सम्प उसी के लिए बनाया स्टिल, लेकिन पानी की सर्कुलेशन के लिए ये बेटर था। पंप का एक और फायदा था कि इसमें मैंने ये एयर का आउटलेट छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एयर भी इनलेट होती रहेगी, वाटर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते रहेंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस टैंक में एयर मॉलिक्यूल के लिए अलग से सैमसंग की मशीन लगाऊं, एयर प्योरीफायर जो आप आया था सैमसंग, काफ़ी अच्छे नॉइजलेस है, कैमरा एंगल मुड़ गया। सो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर 100 का स्पॉन्ज फिल्टर लगाया, सेम दो फंक्शन है, क्लीयरिंग क्लीन करने का और साथ में क्या एयर बबल बनाने का। यहाँ इसी फिल्टर से मैं पाइप ले आऊँगा, इसमें इनलेट करूँगा, ऑटोमेटिकली एयर बबल आता रहेगा। सो यहाँ पर जितनी मैंने चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, इसका मेन पर्पस यही था कि एक काम, एक चीज कम से कम एक से ज्यादा क्या करे वो काम करे, ठीक है। तो ये तो बात होगी टैंक की। टैंक की अगर डेकोरेशन की बात करो तो अभी मैं इसमें बहुत कम चीजें रख रहा हूँ और डीसेंट बनाने की सोचा। तो पीछे मैंने इसमें क्या लगाई, विनाइल शीट लगाई, सेम अंदर भी ताकि संप का ना दिखे। अंदर मैंने 8 mm की ग्रास लगाई, इसको आपको ध्यान से काटना पड़ेगा, मैंने एक्स्ट्रा ग्रास कट करी है ताकि ये जो बॉर्डर है वो छुप जाए, यहाँ पर ना दिखे इस तरीके से, ताकि बॉर्डर ना दिखे इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ग्रास कटवाई ताकि इसे छुपा सकूँ। इस ग्रास को हो सकता है जब पहली बार डाल तो फ्लोट करे, बट एक बार सेट होने के बाद ही अंदर रुक जाएगी। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रखा है लावा रॉक, सिंपल सा काम कि घास को पहले अंदर रखेगा, सेम ये चीज़ यही करेगा। सो ये था मेरा सब कुछ टैंक के बारे में।